कृष्णा सर, इस साल जीएसटी में बोगस इनवॉइसेस के ऊपर कड़ी कार्रवाई हो रही है, तो इस बार यूनियन बजट 2020 में इनकम टैक्स में इस संबंधित कौन से पेनल्टी के सेक्शन लाए गए हैं? अर्जुना, जीएसटी के अंदर फेक इनवॉइसेस, फॉल्स इनवॉइसेस के ऊपर बड़ी कड़ी कार्रवाई हो रही है। इसके वजह से बोगस आईटीसी भी पकड़े जा रहे हैं। अब इस बार इस बजट के अंदर इनकम टैक्स में भी 271AAD ये नया पेनल्टी का सेक्शन ही आ गया है और ये 1 अप्रैल 2020 से आगे एप्लीकेबल होगा। तो अब पहली बार ऐसा होने वाला है कि जीएसटी के अंदर भी और इनकम टैक्स के अंदर भी बोगस एंट्रीज, फॉल्स एंट्रीज, फेक इनवॉइसेस, इनके ऊपर बड़ी जोरदार खतरनाक पेनल्टीज लगने वाली है। तो ये करदाता ने ध्यान देना चाहिए। कृष्णा सर, इनकम टैक्स में बोगस एंट्री किसे मानी जाएगी और इसके ऊपर कितनी पेनल्टी लगेगी? अर्जुना, फॉल्स एंट्रीज इनकम टैक्स में, इसका मतलब क्या है तो हमको देखना पड़ेगा इसको तीन टुकड़ों के अंदर। पहले कि डेफिनेशन ये सेक्शन की 271AAD में क्या आया है, फिर पेनल्टी काहे के ऊपर लगेगी और फिर एक एग्जांपल हम लेते हैं। तो शुरू करते हैं पहले कि फॉल्स एंट्रीज के ऊपर क्या आया है। यहां पर दो सर्कमस्टेंसेस दिए हैं। एक कि ये जो फॉल्स एंट्रीज है ये बुक्स के अंदर की गई है पर ये गलत है, और दूसरा बुक्स के अंदर की नहीं है, इनकम के कंपटीशन पे इसका परिणाम हो रहा है, तो ये जो ओमिटेड एंट्रीज है इनको भी फॉल्स एंट्री में माना जाएगा। और नीचे एक्सप्लेनेशन दिया है कि फॉल्स एंट्रीज के अंदर क्या क्या आएगा। तो ए के अंदर दिया है कोई फेक डॉक्यूमेंट है या फेक इनवॉइस है, इसको फॉल्स एंट्रीज में पकड़ा जाएगा। बी, सेल्स किया है और उसका इनवॉइस इश्यू किया है पर एक्चुअली गुड्स सप्लाई नहीं किए है, सर्विसेज का सप्लाई नहीं किया है, तो भी फॉल्स एंट्रीज में आएगा। और तीसरा, इनवॉइस इश्यू किया है सप्लाई का और वो पर्सन एग्जिस्टिंग में है ही नहीं, पार्टीज ही बोगस खड़ी की गई है, तो ऐसे दो ट्रांजैक्शंस और फॉल्स एंट्रीज के अंदर तीन एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं। अब देखते हैं हम कि फॉल्स एंट्रीज के ऊपर इनकम टैक्स में पेनल्टी कितनी लगती है। यह है अपना पार्ट टू ऑफ द आंसर। पेनल्टी लगेगी द अमाउंट ऑफ एंट्रीज, इसका मतलब यह हुआ कि जिस अमाउंट की एंट्री है, जिस अमाउंट का वो फॉल्स इनवॉइस है, फेक इनवॉइस है, उस अमाउंट की पेनल्टी करदाता के ऊपर लगने वाली है। और ये जो पेनल्टी लगेगी ये दोनों को लगेगी क्योंकि दो पार्टीज रहेंगे, सप्लायर एंड रिसिपिएंट। अब देखते हैं इसका एग्जांपल, क्योंकि फॉल्स एंट्रीज के अंदर, बोगस एंट्रीज के अंदर सेल्स भी आ गया, परचेस आ गया, एक्सपेंसेस आ गए, लोन्स लायबिलिटीज भी आ गए। तो अब एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखते हैं, ए नाम का पार्टी है, इसने गुड्स इनवॉइस कोई सप्लाई किए नहीं है और सेल्स का इनवॉइस दे दिया है 1,00,000 रुपए का और उसके ऊपर जीएसटी अमाउंट है 1,18,000 का, तो कुल मिलके इनवॉइस की टोटल हो गई 1,18,000 और ये इशू किया है उसने बी को। और अगर ये प्रूव हो जाता है कि ये फॉल्स एंट्री है तो इनकम टैक्स के हिसाब से ए को 1,18,000 के ऊपर पेनल्टी लगेगी और करस्पॉन्डिंगली बी को भी फॉल्स एंट्रीज बुक्स में लेने के लिए 1,18,000 अलग से पेनल्टी लगेगी। तो ए और बी दोनों को इस पेनल्टी के प्रोविजंस में लाया गया है और ये ग्रॉस अमाउंट पे, यानी इनवॉइस के अमाउंट पे पेनल्टी लग रही है। तो गवर्नमेंट के हिसाब से ये बड़ा ही हार्श कदम लिया गया है टू रिड्यूस द इंपैक्ट ऑफ बोगस इनवॉइसेस। कृष्णा सर, जीएसटी में बोगस इनवॉइस किसे कहेंगे और किसी ने अगर बोगस इनवॉइस इश्यू किया तो उसको क्या परिणाम भुगतने पड़ेंगे? अर्जुना, जीएसटी के अंदर बोगस इनवॉइस, फॉल्स इनवॉइस का
भी एक सेक्शन है, और ये सेक्शन को अगर हम पढ़ते हैं तो बड़ा ही खतरनाक इंटरप्रिटेशन इसमें से भी आता है कि क्या है फेक इनवॉइस, फॉल्स इनवॉइस। नंबर एक, गुड्स इशू कर दिए, सप्लाई कर दिया सर्विसेज का और इनवॉइस ही इशू नहीं किया, तो ये भी गलत काम हो गया। फिर दूसरा, इनवॉइसेस इशू कर दिए पर एक्चुअली गुड्स भी नहीं इशू किए, सप्लाई ऑफ सर्विसेज भी नहीं है और सिर्फ डॉक्यूमेंट्री इनवॉइस दे दिया। और तीसरा दिया है कि रजिस्ट्रेशन नंबर गलत यूज कर दिया या विदाउट रजिस्ट्रेशन नंबर भी इनवॉइसेस इशू कर दिया, जीएसटी कलेक्ट कर दिया। तो इन तीनों सर्कमस्टेंसेस के अंदर 10,000 रुपए से लेकर टैक्स का जो अमाउंट है उतने अमाउंट तक पेनल्टी लगेगी और इसको सपोर्ट करने वाले के ऊपर भी पेनल्टी लगेगी। इसके अलावा अगर गलत इनवॉइसेस इशू करते हैं, फॉर्मेट में नहीं करते हैं, तो एक 25,000 का जनरल पेनल्टी भी जीएसटी के अंदर लगता है। अब अगर इसको एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, पहले वाला ही एग्जाम्पल हम लेते हैं, ए पार्टी थी जिसने गुड सप्लाई नहीं किए, 1,18,000 रुपए यानी 1,18,000 जीएसटी का इनवॉइस बी को इशू कर दिया, तो अब ये केस में क्या होगा, ए को पेनल्टी लगेगी 18,000 रुपए की जो जीएसटी से अमाउंट से लिंक हो रही है, और बी को भी पेनल्टी लगेगी क्योंकि उसने 18,000 का अगर आईटीसी ले लिया होगा रॉन्ग आईटीसी ऑन द बेसिस ऑफ फेक इनवॉइसेस, तो दोनों को 18,000 रुपए की टैक्स अमाउंट की पेनल्टी जीएसटी के अंदर लगती है। कृष्णा सर, इससे करदाताओं को क्या बोध लेना चाहिए? अर्जुना, इसमें से क्या बोध लेना चाहिए? बोध तो यह है कि करदाता यानी ए और बी ये दोनों के अंदर 1,18,000 रुपए की फेक इनवॉइस की ट्रांजैक्शन हुई है, तो इनकम टैक्स और जीएसटी दोनों मिलाकर ए के ऊपर भी 1,18,000 की पेनल्टी लगेगी और बी के ऊपर भी 1,18,000 की पेनल्टी लगेगी इनकम टैक्स में, और जीएसटी के अलग से 18,18,000 टैक्स अमाउंट का भी इन्वॉल्व कर लो तो 1,18,000 के ऊपर 1,36,000 रुपए की पेनल्टी लगेगी ए को भी और बी को भी। तो बड़ी ही खतरनाक पेनल्टी के ये सेक्शंस है। इनकम टैक्स में सर्वे हुआ, जीएसटी में सर्वे हुआ, रेड हुई, तो ये इंटरचेंजेस ऑफ इंफॉर्मेशन होगी और दोनों तरफ ये पार्टीज फंसेगी। तो अब से आगे बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, जो कर की चोरी कर रहे हैं उनके ऊपर ये पेनाल्टी का शिकंजा रहेगा और ये बड़ा ही ह्यूज अमाउंट की पेनल्टी आने वाली है। तो करदाताओं को ध्यान रखना चाहिए कि बोगस एंट्री, फेक एंट्री करने वालों को अब इनकम टैक्स में नो एंट्री है। जैसा ट्रैफिक सिग्नल रहता है वहां पे नो एंट्री में जाते हैं तो बड़ी पेनल्टी लग जाती है, वैसा ही इनकम टैक्स में अब नो एंट्री फॉर बोगस एंड फेक एंट्रीज अलॉन्ग विथ जीएसटी। तो ये देखते रहिए कर नीति का यूट्यूब चैनल। थैंक यू।